सो हे एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। एंड भाई, आप में से कई सारे लोग मुझसे टाइम टू टाइम पूछते रहते कि मैं अपने सेटअप के बारे में बताऊं, मेरा सेटअप में क्या क्या है, मैं कौन सा हेडफोन यूज़ करता हूं, कौन से ईयरफोन्स मेरे पास हैं, डिवाइस, माइक, स्लीव, सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोग को आज के इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं, क्योंकि मैं आप लोग को इस वाली वीडियो में अपना सेटअप शो करने वाला हूं। एंड इस सेटअप में आप लोग को जितनी भी चीज़ें देखने को मिलेगी सभी मैंने अपने खुद के पैसों से खरीदी है, तो वो भी चीज़ आप लोग एक ध्यान में रख के चलना। तो चलो भाई, फटाफट से अपने सेटअप की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अभी आपके आंखों के सामने भाई आप लोगों को जितनी भी चीज़ें देखने को मिल रही है ये सभी मेरे सेटअप का पार्ट है। एंड इन सभी चीज़ों को मैं अपने जो है गेमिंग वगैरह के लिए यूज़ करता हूँ, वीडियोस बनाने के लिए, सभी पर्पज़ के लिए इन सभी चीज़ों को मैं यूज़ करता हूँ। अब मैं आप लोग को एक एक करके हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बता देता हूँ। तो भाई सबसे पहले तो भाई ये लैपटॉप को आप लोग एकदम इग्नोर मार दो, ये मेरा नहीं है, मैंने बस इसे सेटअप में थंबनेल में अच्छा दिखना चाहिए इसलिए इसे रख दिया, तो इसे क्लिकबेट समझ के भाई एक तरफ इग्नोर मार दो। एंड उसके बाद हम लोग अपने सेटअप की शुरुआत करेंगे हमारी प्रीमियम गेमिंग चेयर से। तो भाई बेसिकली ये तकिया को मैं यहाँ पे ऐसा खड़ा कर देता हूँ एंड उसके बाद मैं उस पर टिक के अपनी गेमिंग वगैरह करता हूँ। यही मेरी प्रीमियम चेयर है भाई। एंड इस गेमिंग चेयर की भाई बहुत सारी स्पेशलिटीज़ है, जैसे सबसे पहले तो भाई आप इसके कवर को धो सकते हो, आप इसके कवर को चेंज भी कर सकते हो, यानी कि आप अपनी गेमिंग चेयर का कलर चेंज कर सकते हो। देन अगर आप लोग को लोनली फील हो तो आप इसे पकड़ के भी सो सकते हो। नाउ जोक्स असाइड, अगर मैं आप लोगों को अपने सेटअप के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बताऊं तो मैं जो हेडफोन्स यूज़ करता हूं वो रहते हैं हमारे कॉस्मिक बाइट के GS430 एंड इन्हें मैं पिछले 2 साल के आसपास से यूज़ कर रहा हूं। बहुत ही सही हेडफोन्स है, 1000 में मैंने इन्हें परचेज किया था एंड गेमिंग में अच्छा खासा परफॉर्मेंस ही आप लोग को निकाल के दे देते हैं। देन इसके अलावा मेरे पास भाई ओप्पो के एनको बड्स है जिन्हें मैं भाई मीडिया वगैरह देखने के लिए यूज़ करता हूँ एंड जब मैं आउटडोर वगैरह रहता हूँ तब मैं भाई उन्हें ही अपनी गेमिंग के लिए भी यूज़ कर लेता हूँ। एंड इन वाली ईयरफोन्स के साथ भी मुझे उतनी कुछ प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। एंड इसके बाद भाई ये जो एक छोटा सा आप लोग को स्लीव देखने को मिल रहा है, बस इसे ही मैं भाई अपने गेमिंग के लिए यूज़ करता हूँ एंड ये बहुत ज़्यादा पुराना है। इवन ये 3 से 3.5 साल पुराना स्लीव आप लोग को देखने को मिलता है एंड मैंने 4 का कॉम्बो पैक खरीदा था जिसमें से 3 पहले ही खराब हो चुके, ये लास्ट बचा है। एंड इस वाले स्लीव का यूज़ मैं सिर्फ अपने लेफ्ट थंब में करता हूँ क्योंकि उसमें मेरी जॉयस्टिक वगैरह रहती है, बाकी राइट साइड में मैं भाई पाउडर वगैरह से काम चला लेता हूँ। देन इस वाले माइक को भाई मैं अपनी जो रिकॉर्डिंग वगैरह करने के लिए यूज़ करता हूँ, ये वाली वीडियो भी इसी माइक से रिकॉर्ड हो रही है। इसका नाम बोया BY-M1 है एंड ये 1000 में मिलने वाला सबसे ज़्यादा पॉपुलर माइक आप लोग को देखने को मिलता है। 650-700 रुपये के आसपास मैंने इसे भाई 2 साल पहले परचेस किया था। इसकी वीडियो भी पड़ी है जिसमें आप लोगों ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिखाया। देन इसके बाद ये जो आप लोगों को एक लटकता हुआ डंडा देखने को मिल रहा है, ये मेरा बेसिकली ट्राइपॉड है एंड ओवर दी हेड ट्राइपॉड इसे बोलते हैं। ये हैंडकैम वगैरह रिकॉर्ड करने के काम में आता है आप लोगों के एंड इसे सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ही वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए भाई ऑर्डर किया था, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे बहुत ज़्यादा दिनों से बोल रहे थे कि मैं Realme 9 SE का हैंडकैम लेके आऊँ, उसी को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने इसे 600 रुपये का परचेज किया था ऑनलाइन। अब इन सभी चीज़ों के बाद भाई आप में से बहुत सारे लोग मुझसे अगेन पूछते रहते कि मैं हीटिंग वगैरह कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ करता हूँ। तो ये जो आप लोग एक टेबल फैन देख रहे हो यहाँ पे सोफे पे रखा हुआ है, इसे ही मैं यूज़ करता हूँ। अभी तो ठंड हो रही है इसलिए मैंने इसे एक साइड में रख दिया है, बाकी गर्मी वगैरह के टाइम पे ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आता है एंड मेरी हीटिंग वगैरह को कंट्रोल ये आराम से कर लेता है। एंड इस टाइम पे मैं हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए एक और चीज़ अपनाता हूँ, वो भी मैं अभी आप लोग को बता देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा देसी जुगाड़ है एंड भाई लॉजिक लेस जुगाड़ है, लेकिन बहुत काम की चीज़ें यार। तो ये जो पावर बैंक आप लोग को अभी मेरे हाथ में देखने को मिल रहा है, ये MI का पावर बैंक है एंड मेरे को पता नहीं कि ये भाई किस चीज़ से बना है, ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है। कोई भी टाइम देख लो भाई, इसका जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत ज़्यादा डाउन रहता है। तो बेसिकली मैं करता क्या हूँ, जब भी मैं गेमिंग करता हूँ इसे मैं अपने पास में रख लेता हूँ और जब भी मेरे फ़ोन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जाता है तो मैं बेसिकली अपने फ़ोन को इसके ऊपर प्लेस कर देता हूँ, इसकी बॉडी के ऊपर। एंड भाई लिटरली 30-40 सेकंड में मेरे फ़ोन का टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री ये गिरा देता है। मेरे को पता नहीं कैसे होता है, बट ये ट्रिक बहुत 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 ज़्यादा काम में आती है। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। देन इन सभी चीज़ों के बाद हमारे सेटअप का हार्ट एंड सोल यानी कि मेरा डिवाइस Realme 9 SE। इसी फ़ोन को भाई मैं पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से अपनी गेमिंग वगैरह के लिए यूज़ कर रहा हूँ। इसके पहले मैं अपने Redmi Note 9 Pro को यूज़ करता था, उसके बाद भाई मैंने उसे सेल कर दिया, 9000 रुपये मुझे उससे मिले एंड 9000 मैंने अपनी जेब से लगाए एंड मैंने इस वाले फ़ोन को परचेज़ कर लिया। एंड इसी फ़ोन को परचेज़ करने के बाद मेरे जो वीडियोज़ है उनकी क्वालिटी वगैरह सुधरी थी, मेरा गेम प्ले भी थोड़ा सा सुधरा था क्योंकि मुझे इसमें लैग वगैरह बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल रहा था। ऑब्वियसली भाई 778G प्रोसेसर आप लोग को इसके अंदर देखने को मिलता है तो लैग वगैरह कम देखने को मिलेगा ही, बट ये वाला फ़ोन लैग बहुत ज़्यादा करता है इसलिए भाई मैं फ़ैन वगैरह को हमेशा यूज़ करता हूँ एंड नई नई ट्रिक्स मुझे लगानी पड़ती है ताकि मैं अपनी हीटिंग वगैरह को कंट्रोल में रख सकूँ। एंड मेरे पास जो वेरिएंट है इस वाले फ़ोन का वो है 6128 GB, तो भाई मुझे स्टोरेज वगैरह का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि रिकॉर्डिंग वगैरह करने से स्टोरेज बहुत ज़्यादा जल्दी भर जाती है, तो टाइम टू टाइम मुझे उन्हें खाली भी करते रहना पड़ता है। देन अब अगर मैं आप लोग को अपने फ़ोन के अंदर मैं कौन सी एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ करता हूँ एडिटिंग वगैरह के लिए वो बताऊँ, तो सबसे पहले तो वीडियो एडिटिंग के लिए मैं कैपकट का यूज़ करता हूँ, उसी से मेरी सारी एडिटिंग हो जाती है, वॉइस ओवर वगैरह सब कुछ मैं उसी से कर लेता हूँ। देन उसके बाद थंबनेल के लिए मैं Lightroom, PSCC एंड Pixel Lab तीनों का यूज़ करता हूँ साइमल्टेनियसली। एंड अगर आप लोग को भी मेरी जैसी थंबनेल बनाना तो उसमें मैंने डेडिकेटेड वीडियो पहले से बना रखा है, ट्यूटोरियल पूरा एक बनाया है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो है लेकिन हर एक चीज़ डिटेल में बता रखी है,
प्लस आप लोग को सारे प्रीसेट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर रखे हैं, तो उसे जाके भी आप लोग डेफिनेटली देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और वीडियोस वगैरह भाई मैं ऑब्वियसली यूट्यूब के ऐप से ही अपलोड करता हूँ, क्रोम वगैरह का यूज मैं नहीं करता। एंड वीडियोस में टाइटल थंबनेल टैक्स वगैरह डालने के लिए मैं स्टूडियो का यूज करता हूँ। तो बस भाई इतनी ही चीजें मेरे सेटअप को एकदम कंप्लीट कर देती है। एंड अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने सेटअप में किसी भी चीज को अपग्रेड करने की जरूरत है, जितनी भी मेरी चीजें हैं वो सभी अच्छे से वर्क कर रही है। एंड इस सेटअप की हर एक चीज मैंने खुद के पैसों से खरीदी, तो वो भी मुझे एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया फील देता है भाई जब भी मैं अपने सेटअप को यूज करता हूँ तब। और जल्द ही मैं इस सेटअप में एक बहुत ज्यादा बड़ा अपग्रेड करने का सोच रहा हूँ, अगर वो अपग्रेड हो जाता है तो मैं लाइव स्ट्रीम वगैरह भी कर पाऊंगा। वो चीज पॉसिबल हो पाती है कि नहीं वो तो आप लोग को फ्यूचर में पता चल ही जाएगा। तो बस भाई आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। एंड कैसा लगा मेरे जैसे एक छोटे यूट्यूबर का सेटअप मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। और अगर मेरे सेटअप में से किसी भी चीज के बारे में आप लोगों को कोई भी डिटेल जाननी है तो आप लोग मुझसे डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आप लोग को हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।